मिटा दे रहे हैं। अगला हमारा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको मिटा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी के बारे में हम तो पहले ही लेक्चर में बताए थे, ये वाला जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था कंसिस्टेंसी वाला, तो हम पूरा बता चुके थे, ठीक है ना। तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, परसेंटेज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन की बात करें, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यहाँ पर गाढ़ापन बताएगा, और इंडेक्स मतलब सूचकांक होता है, ठीक है ना। ये बताएगा कि सॉइल कितना गाढ़ा है, अगर गाढ़ा होगा, अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा मतलब टाइट होगा, फर्मनेस के बारे में वास्तव बताता है, ज़्यादा टाइट होगा तो आपका ज़्यादा सीयर स्ट्रेंथ होगा। अगर आईसी का मान जीरो आ गया, अगर आईसी का मान जीरो हो गया तो समझ लेंगे कि इसके अंदर सीयर स्ट्रेंथ बहुत कम, अगर कहीं नेगेटिव आ गया, जीरो से भी एकदम कम आ गया तो समझेंगे इसके अंदर सीयर स्ट्रेंथ है ही नहीं, और अगर सीयर स्ट्रेंथ नहीं है तो समझ जाएंगे सॉइल का जो स्टेट होगा वो हमारा होगा लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, डिफिनेशन का सीधा फार्मूला, आईसी बराबर होता है लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई आईपी, ठीक है ना। लिख सकते हैं, देखिए लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू एन, नोटेशन बताएंगे आपको, आईपी का जो होता है, आईपी का वैल्यू होता है, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए नोटेशन बता दें, उसके बाद आगे कुछ बताते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू एल है लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट है, ठीक है, कोई सॉइल है उसका लिक्विड लिमिट है। यहाँ पर देखिए खेत में हम जा रहे हैं, हम खेत में गए, एक सॉइल देख रहे हैं, एक सॉइल थोड़ा सा उठाए हैं, उस सॉइल का जो है डब्ल्यू एल वो लिक्विड लिमिट है, और उस समय जब खेत में वो पड़ा था सॉइल, खेत में जब पड़ा था सॉइल, उस दशा में अगर उसमें वाटर कंटेंट निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे, वही हमारा डब्ल्यू एन है, मतलब लिख सकते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट। तो डब्ल्यू एन जो है यहाँ पर नेचुरल वाटर कंटेंट है, खेत में गए डायरेक्ट वहीं पर निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट। डब्ल्यू पी है प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये आपको डिफिनेशन याद रखना है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है। अब देखिए पेपर के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये वाला चीज़ बस आपको याद रखना है, ये हमारे पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा फार्मूला, यहाँ पर क्या दे देगा, नेचुरल वाटर कंटेंट दे देगा और पूछ लेगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताइए, सारी चीज़ें आपको उसमें दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब एक फिगर बना करके हम क्या कर रहे हैं, इन सबको थोड़ा सा और डिफाइन कर रहे हैं। आईसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसका रेंज कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके रेंज के बारे में, अगर आईसी का मान जीरो है तो सॉइल किस स्टेट में होगा, आईसी का मान ग्रेटर देन वन है तो सॉइल किस स्टेट में होगा, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे, हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसको समझाते हैं, चलते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, सारी चीजें हम इसके बारे में पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बनाएंगे यहां पर कंसिस्टेंसी कर्व, वॉल्यूम है ये, इधर रहता हमारा वाटर कंटेंट, इधर वाटर कंटेंट है, ठीक है ना। अब एक ग्राफ बना देते हैं डायरेक्ट, अब तो समझाना नहीं है, बहुत ज्यादा समझा चुके हैं इसके बारे में। ये हमारा लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, और ये हमारा श्रिंकेज लिमिट है। इधर जो सॉइल रहेगा सबसे इधर, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, इधर हमारा प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, सेमी सॉलिड स्टेट में, और इधर सॉलिड स्टेट में, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, अभी जस्ट आईसी का फार्मूला हम लिखे थे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट नेचुरल कंडीशन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। चलिए अब क्या है, जिस खेत में हम लोग गए, जिस खेत में गए उसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट हम मान ले रहे हैं लिक्विड लिमिट से ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं, नोट वन, अब यही हमारा इंपॉर्टेंट है, नोट वन, इफ
नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखिए इस फिगर को देखिए, लिक्विड लिमिट से ज़्यादा नेचुरल वाटर कंटेंट है, मतलब यहाँ पर है। अगर वाटर कंटेंट यहाँ पर देखेंगे तो सॉइल हमारा तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो ये जो भी बोल रहा है वास्तव में अब क्या है, सॉइल हमारा लिक्विड स्टेट में है, यही बता रहा है। तो ऐसी कमान देखिए, ये देखिए ये वाला अगर फिक्स कर दें, लिक्विड लिमिट फिक्स कर दें, मान लीजिए 20 है लिक्विड लिमिट, मान लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए 20 है, प्लास्टिक लिमिट आपका क्या है 10 है, अगर ऐसा कुछ करना तब तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेचुरल वाला WL से ज़्यादा है तो मान लेते हैं नेचुरल वाला 20 है, बस समझाने के लिए कर रहे हैं। इस फार्मूले में रखिए, देखिए कुछ आएगा, WL हमारा 20 है, ठीक है, WL 20 है, WN को 30 ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, नेचुरल वाला यहाँ पर रख दे रहे हैं 30, डिवाइडेड बाई WL हमारा 20 है और WP हम 10 रखे हैं, ये 10 होता है। ऊपर देखिए 20 में से 30 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10, डिवाइडेड बाई 20 में से हमारा कितना गया 10 गया, तो 10 तो माइनस का 1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर आप देखेंगे वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होगा तो IC का मान आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे IC फिर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर IC का मान आपका नेगेटिव आ रहा है, अगर IC का मान नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है WN इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट से ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो सॉइल आपका किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो लिखेंगे सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, तो स्टेट के बारे में पूछा जाएगा तो ये बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसका शियर स्ट्रेंथ कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो पहला केस हो गया हमारा, WN इज जब ग्रेटर देन WL होगा तो सॉइल हमारा किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, शियर स्ट्रेंथ उसमें 0 पाया जाएगा और IC का मान आपका नेगेटिव दिखाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा किसी सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 है, 0 से कम है, तो वो सॉइल किस स्टेट में है, तो कह देंगे हम लोग ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। तो पहला केस हो गया। दूसरा देखिए जरा, नोट टू की बात कर लेते हैं कि नोट टू में क्या है। अगर हम क्या करें, नेचुरल वाटर कंटेंट को ग्रेटर आर इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट के बराबर कर दें अथवा लेस आर इक्वल टू लिक्विड लिमिट के बराबर कर दें, अगर इस रेंज में आपका नेचुरल वाटर कंटेंट चलेगा तो सॉइल का स्टेट कौन सा होगा, ठीक है ना, सॉइल का स्टेट क्या होगा और IC का मान कितना होगा, इसका रेंज आपको बताना है, ठीक है ना। तो IC का रेंज देगा और पूछेगा सॉइल किस स्टेट में है। तो देखिए जो नेचुरल वाटर कंटेंट है WP से ज़्यादा है अथवा बराबर है और WL के बराबर अथवा उससे कम है, मतलब कि इस देश में देखिए नेचुरल वाटर कंटेंट या तो इतना है अथवा के बीच में है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सॉइल जो हमारा प्लास्टिक स्टेट में होगा। तो आपको क्या करना है, IC का मान निकालना है। अगर IC का मान निकालते हैं तब, ठीक है ना, तो पहले कर लेते हैं, देखिए 1EC में इफ WN इज इक्वल टू WP, ठीक है ना, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, WP के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला, IC बराबर हो जाएगा WL माइनस WN को WP के बराबर करेंगे तो WN की जगह लिखेंगे WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP, ठीक है। तो नीचे और ऊपर एक ही वैल्यू लिखी है, ये हो जाएगा हमारा 1। तो जब नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगा तो हमारे IC का मान जो होगा वो होगा हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मान क्या करें, WP का कम कर दें नेचुरल वाले से, ठीक है ना, अथवा ज़्यादा कर दें, कम नहीं करना, अभी ज़्यादा करना है या ग्रेटर देन है। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान अगर आप ग्रेटर देन WP कर दे रहे हैं, तो जैसे पी कर दे रहे हैं तभी तो 1 दिखा रहा था, ये थोड़ा सा और बढ़ गया तो तुरंत ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, नहीं गलत बता दिए, ठीक है, तो इसका मान हमारा हो जाएगा 1 जब WN बराबर WP। अब एक काम और कर सकते हैं, देखिए यदि हम लोग क्या करें, WN इज ग्रेटर देन WP, ठीक है ना, अगर WP से थोड़ा सा हम लोग ज्यादा कर दें, मतलब इधर से हम लोग इधर चल रहे हैं, जैसे इसके इधर जाएंगे तो यहां पर देखिए अभी वन आ रहा था, जैसे एग्जाम्पल में भी जस्ट ऊपर लिए थे कि WL बराबर 20 ले लीजिए, WL बराबर 20 ले लीजिए और WP बराबर 10। नेचुरल वाटर कंटेंट अब देखिए WP से थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, मतलब 15 कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 15 कर दीजिए, WN वाला 15 है और ये तो 10 है ही है, यहाँ रख करके देखते हैं क्या आता है। अभी तो 1 आ गया जब WN बराबर WP था, थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, ये देखिए नेचुरल वाला
डब्ल्यू एल हमारा 20 है, थोड़ा समझाने के लिए बात कर रहे हैं, 20 माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट हम लोग क्या कर रहे हैं 15 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट 20 माइनस डब्ल्यू पी 10, ठीक है ना। देखिए 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, डिवाइडेड बाई देखिए नीचे अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 में से हम लोग क्या कर रहे हैं 10 घटा रहे हैं, तो बचेगा 10, तो आ रहा है 0.5, ठीक है ना, 0.5 आ रहा है। जब WP पर थे हम लोग, जब WP पर था नेचुरल वाटर कंटेंट तो 1 आ रहा था, थोड़ा सा क्या हम लोग कर दिए नेचुरल वाटर कंटेंट WP से ज़्यादा कर दिए तो 0.5 आ गया, मतलब 1 से कम आ गया, ठीक है। तो अब देख लिए हम लोग, अगर WP का मान अगर WN के बराबर हो जाए तो IC का मान 1 आएगा, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए WP से तो 1 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको नहीं, इसको याद रखेंगे आप, रेंज के लिए हम बता रहे हैं, तो ये वाला केस तो 1 आ गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, नेचुरल वाटर कंटेंट जो है किसके बराबर हो जाए, लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए, लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए, नेचुरल वाटर कंटेंट जो है लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए। देखिए ये वाला कर दिए लेस देन आर इक्वल टू, तो बराबर अभी किए हुए हैं, जैसे करेंगे तो नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर, यहाँ रखिए डब्ल्यू एल, यहाँ डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई सी का मान 0, ठीक है ना। तो अगर आपका नेचुरल वाटर कंटेंट डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एल के बीच में है, इसके बराबर है तो 1 आएगा, इसके बराबर है तो 0 आएगा, इनके अगर बीच में कहीं आ रहा है तो इसका मान 0 और 1 के बीच में चलने लगेगा, ठीक है। तो इस दशा में है आप कर रहे हैं तो IC का जो मान होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अगर IC का मान 0 और 1 के बीच में आ रहा है अथवा 0 अथवा 1 आ रहा है तो सॉइल हमारा जो होगा वो प्लास्टिक स्टेट में होगा, ये वाला स्टेट देखिए, तो कह देंगे सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट, ठीक है ना, प्लास्टिक स्टेट में होगा। तो ये दूसरा केस है। अब चलिए तीसरा देखते हैं, नोट 3। तो ये आप याद रखेंगे, अगर आईसी का मान कुछ दिया तो ऐसे समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। 0 से कम तो लिक्विड लिमिट, 0 अथवा 1 के बीच में है अथवा इसी के बराबर है तो कहेंगे प्लास्टिक स्टेट में है। यदि नेचुरल वाटर कंटेंट लेस देन डब्ल्यू पी हो जाए, ठीक है ना, डब्ल्यू पी हो जाए, मतलब यहाँ पर 5 लिख दें, एग्जाम्पल के लिए 5 लिख दें, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी फार्मूले में थोड़ा रख करके देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू एल हम लिए हैं 20 माइनस डब्ल्यू पी हमारा 10 है, अभी उसको बाद में बात करेंगे, नेचुरल वाला है लिखा है तो लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल, ये वाला डब्ल्यू पी 10, ठीक है, आ रहा है ऊपर से 15, 20 में से 5 गया, कितना हो गया हमारा 15, 20 में से 10 गया 10, तो ये देखिए 1.5 आ रहा है। तो आईसी का मान अगर 1 से ज़्यादा आ जाए, अगर आईसी का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है नेचुरल वाटर कंटेंट इज लेस देन डब्ल्यू पी, मतलब नेचुरल वाला इससे कम है, यहाँ पर है ये नेचुरल है, अगर इस केस में आएंगे तो ये सॉइल हो जाएगा हमारा सेमी सॉलिड में, ठीक है। तो अगर कभी भी आईसी का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है तो सॉइल हमारा क्या होगा, सेमी सॉलिड में होगा अथवा सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है जब सेमी सॉलिड में आया तो स्ट्रेंथ और बढ़ गया, सॉलिड में आएगा तो और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आईसी का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे आईसी का मान बढ़ रहा है वैसे शियर स्ट्रेंथ इसका बढ़ता जा रहा है और बहने की प्रॉपर्टी लगातार कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो आईसी का मान अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और कम कर देंगे, इधर भी आ जाएंगे तब भी ग्रेटर देन 1 ही आएगा, इसीलिए लिख दिए हम लोग ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें हमें मिली हैं, उसी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आईसी का मान 0 से कम तो सॉइल लिक्विड स्टेट में, 0 और 1 के बीच में अथवा बराबर तो कहेंगे प्लास्टिक स्टेट में, अगर 1 से ज़्यादा है तो समझ जाएंगे ये सेमी सॉलिड में अथवा सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें पता चल गई, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये फार्मूला IC बराबर WL माइनस WN डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें मिली हैं उसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। एक चीज़ और बताते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं लिक्विड स्टेट प्लास्टिक स्टेट और यहाँ हमारा सेमी सॉलिड और सॉलिड, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो IC का मान लेस देन 0 प्लास्टिक वाले में,
वन और जीरो के बीच में आई सी का मान, आई सी का मान है सर आई सी इज ग्रेटर देन वन। इस तरीके से ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, आईसी का मान जब जीरो होगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा वन और जीरो के बीच में, ग्रेटर देन वन तो सेमी सॉलिड अथवा सॉलिड। ठीक है, यहां से एक चीज और कर सकते हैं नोट, अगर आईसी का मान बढ़ रहा है, आईसी का मान बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, गाढ़ापन बढ़ रहा है, यानी सीयर स्ट्रेंथ इसका, सीयर स्ट्रेंथ इसका बढ़ रहा है। अगर सीयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इसकी जो फ्लूडिटी है, बहने की प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लूडिटी, फ्लूडिटी इसका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मान घटने लगा तो लगेगा पानी बनने, देखिए अगर जीरो से कम हो गया तो फिर ये पानी हो जाएगा, सीयर स्ट्रेंथ आपको जीरो दिखाएगा तो बहुत तेजी से बहने लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर याद कर लेंगे, ये वाला आईसी का मान बढ़ेगा तो सीयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब टफनेस बढ़ने लगेगा और उसकी बहने का जो गुण है फ्लूडिटी वो क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। तो यहाँ से जितनी चीज़ें समझ में आई ये पेपर में इतना ही आएगा। और आईसी का फार्मूला, आईसी फार्मूला याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, जितना पढ़ाए हैं बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे मिटाते हैं, मिटा दे रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स इसको आईएल से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, इसको आईएल से डिनोट कर दीजिए और यहां पर एक कर्व बना दे रहे हैं, कर्व से ज्यादा समझ में आएगा। कंसिस्टेंसी कर्व, इधर क्या था हमारा, वॉल्यूम होता है और इधर वाटर कंटेंट। ठीक है ना, वाटर कंटेंट है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर आपका लिक्विड लिमिट होगा, प्लास्टिक लिमिट होगा और इस जगह पर आपका सिरिंकेज लिमिट होगा, कुछ इस तरीके से। इधर सॉइल लिक्विड स्टेट में होगा, इधर आपका प्लास्टिक स्टेट में होगा, सेमी सॉलिड स्टेट में होगा, इधर आपका सॉइल सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ये कर्व है आपका। देखिए इसका फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो आई एल बराबर होगा, देखिए एसएससी जेई में सीधा ये फार्मूला ही आएगा, ये होगा हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है ना, आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स के जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका डिफिनेशन है। तो इससे पीछे वाला जो आईसी था वहां पर क्या लिखा था, यहां पर लिक्विड लिमिट लिखा था, यहां पर क्या लिखा था, लिक्विड लिमिट, और यहां पर लिखा था क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां पर आ गया आपका नेचुरल वाटर कंटेंट और जहां पर नेचुरल वाटर कंटेंट था वहां पर आ गया प्लास्टिक लिमिट, इसमें लिक्विड लिमिट ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस करके आप इसको याद कर लेंगे, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस डब्ल्यू पी, उसमें क्या था, लिक्विड लिमिट माइनस था नेचुरल वाटर कंटेंट। तो इस वाले में, लिक्विड वाले में, लिक्विड वाला नहीं दिख रहा है, लिक्विड लिमिट वाला नहीं दिख रहा है, प्लास्टिक वाला दिख रहा है ऊपर, आईपी तो नीचे रहेगा। अब देखिए केस वन, नोटिस में भी सेम वही करना है, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट जो है लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो जाए, मतलब वो क्या हो जाए, यहां आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन डब्ल्यू एल हो जाए पहला, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट तो क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, लिक्विड लिमिट 20, प्लास्टिक लिमिट 10, समझाने के लिए हो रहा है। अब नेचुरल देखिए, अब नेचुरल वाला ये हमें चेंज करना है, नेचुरल वाला लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो, मतलब 20 से ज़्यादा हो, 30 कर दें, तो नेचुरल वाला हम कर दे रहे हैं 30। ठीक है ना, तो देखते हैं आई एल का मान क्या होगा, आई एल का मान देखते हैं, नेचुरल 30, डब्ल्यू पी 10 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल 20, डब्ल्यू पी 10 क्या हो रहा, 30 में से 10 जाए 20 डिवाइडेड बाई 20 में से 10 जाए 10, दो आ रहा है, ग्रेटर देन वन आ रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो आईसी का मान, अगर आईएल का मान, ठीक है ना, आईएल का मान अगर ग्रेटर देन वन आ जाए, ग्रेटर देन वन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड वाले से ज़्यादा है, तो सॉइल आपका लिक्विड स्टेट में होगा, तो ये सॉइल जो होगा, सॉइल इज इन लिक्विड
स्टेट। देखिए इसका मान जब एक से ज्यादा आ रहा है तो ये क्या है, सॉइल को बता रहा है कि सॉइल जो है लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि नेचुरल वाटर कंटेंट WL से ज्यादा है, ये बता रहा है। इसके अंदर शियर स्ट्रेंथ आपका जीरो होगा, इस पर फाउंडेशन आप नहीं बना पाएंगे। तो कहीं भी IL का मान अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो सॉइल हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन अगर हम लोग पीछे उसमें जाते तब IC में जा रहे थे तो यही आ रहा था हमारा IC का मान लेस देन जीरो, IC जीरो आ रहा था, बिल्कुल इसका उल्टा। वो ठोस, वो क्या बता रहा था, गाढ़ेपन के बारे में बता रहा था, और ये बहने की प्रॉपर्टी को बता रहा है, लिक्विडिटी को बता रहा है कि सॉइल लिक्विड है कि नहीं। एक से ज्यादा है तो बिल्कुल पानी की तरह ये सॉइल बह रहा है, शियर स्ट्रेंथ इसमें जीरो होगा। ठीक है, तो कहीं अगर दिख गया IL का मान ग्रेटर देन वन तो तुरंत आंसर देंगे कि सॉइल जो हमारा किसमें है, लिक्विड स्टेट में है, शियर स्ट्रेंथ जीरो होगा, इस पर फाउंडेशन आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो नोट नंबर वन, जब WN इज ग्रेटर देन WL तो IL का मान क्या होगा। दूसरा देखिए नोट नंबर टू, नोट नंबर टू की अगर बात करें, अगर दिक्कत है मिटा दे रहे हैं अगर तुरंत, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, अथवा हट जाएंगे अभी नोट टू, ठीक है ना। अगर आपको इसका नोट चाहिए सॉइल मैकेनिक्स का तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम का, राइजिंग सेंटर इस नाम से, ठीक है ना, वहाँ सब ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स मिल जाएगा। अभी एक दूसरा नोट्स भी हम देने वाले हैं। अब देखिए, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट ग्रेटर आर इक्वल टू WP हो जाए और लेस आर इक्वल टू लिक्विड लिमिट हो जाए, मतलब इनके कहने का यह है कि अगर नेचुरल वाटर कंटेंट सॉइल का इन दोनों के बीच मिलाई करें, इन दोनों के बीच मिलाई करेगा तो वास्तव में सॉइल क्या होगा, हमारा प्लास्टिक स्टेट में होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, अभी जस्ट लिखे थे लिक्विड लिमिट बराबर 20 और WP बराबर कितना लिए थे 10, ठीक है ना। चलिए चेक कर लेते हैं, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट पहला देख लेते हैं, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट WP के बराबर हो जाए, ठीक है ना, प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाए तब क्या होगा, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, देखिए WN बराबर भी 10 कर दें, तो जैसे 10 करेंगे, देखिए ये WP इधर भी लिखा है और यहाँ नेचुरल है, ये दोनों बराबर हैं, तो तुरंत इसकी वैल्यू जो आप देखेंगे IC का मान जो है जीरो आ जाएगा। अगर IC का मान जीरो है तो इस पर भी सॉइल प्लास्टिसिटी दिखाता है, तो सॉइल जो होगा सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट, ठीक है ना, प्लास्टिक स्टेट में होगा। और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो लिक्विड लिमिट वाले से कितना होता है, 100 गुना ज्यादा होता है, यानी 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ ये दिखाएगा, जब IL का मान आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉइल जो है प्लास्टिसिटी के स्टेट में रहेगा जब IL का मान जीरो होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं लिक्विड लिमिट के बराबर दूसरा, WN इक्वल टू WL, कुछ ऐसा करते हैं, अगर ऐसा कर देते हैं तब, तो देखिए WL के बराबर कर रहे हैं तो इसको कर दे रहे हैं हम लोग 20, जब 20 करेंगे तब क्या होगा। इस केस में देखिए अब क्या है, नेचुरल वाला जो है लिक्विड लिमिट के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दें अगर लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट माइनस WP, यहाँ पर लिखा है WL माइनस WP, दोनों की लिखा है तो 1 हो जाएगा। तो इस केस में लिक्विड इंडेक्स का मान जो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब IL का मान 0 और 1 बीच में चल रहा है, 0 और 1 के बीच में अथवा इन्हीं के बराबर है, तो सॉइल हमारा क्या है, प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं IL बराबर अगर आपका 1 आ रहा है तो सॉइल के अंदर जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट के बराबर होगा और सॉइल उस समय प्लास्टिक स्टेट में होगा, और इस दशा में जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो IL अगर 0 आ गया तो सॉइल हमारा प्लास्टिक स्टेट में होगा, IL हमारा 1 है तो प्लास्टिक स्टेट में होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, और इस केस में क्या होगा, वो बहुत टाइट हो गया होगा, हल्का सा पानी कम करेंगे तो क्या होगा, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और यहाँ पर 2.7 होता है, और इस कंडीशन में जो है सॉइल हमारा प्लास्टिक स्टेट में होता है, ठीक है। तो अगर आपका रेंज जो हो जाए, तो अगर आपका जो है यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, अगर IL का मान जो है 0 और 1 के बीच में है तो सॉइल आपका किस में रहेगा, प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, ठीक है, इस पर आप फाउंडेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नोट था। तीसरे पर आते हैं, जब नेचुरल वाटर कंटेंट जो है क्या हो जाए, WP से कम हो जाए, इधर आ जाए, अगर इधर आएगा तो सॉइल हमारा सेमी सॉलिड में हो जाएगा, उसी चीज को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं।
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, अब चलते हैं नोट थ्री की तरफ। नोट थ्री हमारा है जब नेचुरल वाटर कंटेंट जो है WP से कम हो जाए, WP से कम हो जाए, when WN इज लेस देन WP, प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाए, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, इधर आ गए हम लोग, जब ऐसा कुछ हो जाएगा तब। तो अभी जस्ट एग्जांपल के लिए थे, WL बराबर 20, WP बराबर 10 लिए थे, तो नेचुरल वाला आपको क्या करना है, प्लास्टिक वाले से कम लेना। तो 5 ले लें, 5 ले लीजिए, यहाँ पर रखिए। IL बराबर नेचुरल वाला हम लोग 5 रख रहे हैं, WP हमारा क्या हो रहा है 10 है, डिवाइडेड बाई WL 20 है और WP हमारा 10 है, -5/10 आ रहा है माइनस में, यानी IL का मान जो है 0 से कम आ रहा है। जब IL का मान 0 से कम आ रहा है तो क्या कह रहा है, ये लिक्विडिटी के बारे में बता रहा है, बहने की प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो कह रहा है सॉइल अब लिक्विड में नहीं है, लिक्विडिटी इसके अंदर ख़त्म है, यानी कि अगर IL का मान आपका 0 से मतलब WP से कम होगा तो सॉइल आपका सेमी सॉलिड में होगा, अथवा अगर यहाँ कर दें तो सॉलिड में दिखाएगा, ठीक है ना, हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर IL का मान नेगेटिव आ रहा है तो सॉइल जो हमारा होगा, सॉइल इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठीक है। अगर इस दशा में सॉइल है आपका, अगर इस दशा में सॉइल है तो इसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो तीन नोट आपको यहाँ भी मिल गए, पीछे भी नोट आपका मिल गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है उल्टा, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर IL जो था, IC था वो ग्रेटर देन 1 था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे IL का मान ज़्यादा था, IL का मान ज़्यादा था, एक से ज़्यादा था तो लिक्विड स्टेट में था, शियर स्ट्रेंथ कम था, तो दिख रहा है IL का मान अगर बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ आपका घटने लगेगा, जबकि पीछे वाले में था IC का मान बढ़ रहा था तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, मतलब IL और IC एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम मिटा करके उस चीज को लिख देते हैं, बाकी आपको क्या करना है ये याद करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हल्का सा थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जितना हम लोग पढ़े हैं पेपर में आएगा जितना उतना यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गला खराब हो गया मेरा बोलते बोलते, और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कर दीजिए थोड़ा सा, तो यहां भी जस्ट पढ़े IL के बारे में, IL ग्रेटर देन 1, IL 0 और 1 के बीच में, IL लेस देन 0, एक से ज्यादा है, लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लिक्विड, पानी जैसा बहेगा, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में सॉइल होगा, शियर स्ट्रेंथ है 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पर देखेंगे हम लोग, तो इसके बीच में देखेंगे सॉइल किसमें था, प्लास्टिक स्टेट में। तो अगर पेपर में कहता है IL का मान 0 और 1 के बीच में, तो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, थोड़ा सा शियर स्ट्रेंथ दिखाएगा, जब वो प्लास्टिक लिमिट पर होगा तो 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिखाएगा, जब लिक्विड लिमिट पर होगा, जब लिक्विड लिमिट पर होगा तब वहां पर क्या दिखाएगा आपका 2.7, ठीक है ना। तो लिक्विड लिमिट पर 1 दिखाएगा, जब ये प्लास्टिक लिमिट पर आएगा तो 0 हो जाएगा, बहने की प्रॉपर्टी लगभग खत्म हो जाएगी। अगर इसमें देखेंगे IL का मान, लिक्विडिटी 0 से भी कम हो गई, मतलब इंडेक्स इसका 0 से भी कम हो गया, तो ये सेमी सॉलिड में आ गया, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे लिक्विड है तो शियर स्ट्रेंथ आपका 0 है, इसमें शियर स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, और यहां पर तो शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें दिख रही है, IL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। जबकि IC जो था, IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। IC का मान बढ़ रहा था तो टाइटनेस बढ़ रही थी, मतलब सॉलिड ठोस होता जा रहा था, और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा, और इसका मान बढ़ रहा था और लिक्विड, मतलब ये एक दूसरे से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेंथ से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेंथ से, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों है IC और IL एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, IL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IC,
ठीक है ना, IL जो होगा लिक्विडिटी इंडेक्स जो होगा कंसिस्टेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। जैसे इसका देखिए IL ज़्यादा है लिक्विड स्टेट में और IC का मान जो होता है कितना होता है, ये देखिए एक से ज़्यादा है और ये बेचारा जीरो से कम होता है, IC एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक रिलेशन भी निकाल देते हैं, उसके बाद एक और काम करेंगे, टेबल बनाएंगे, वो आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ बहुत अच्छा है, ठीक है। IL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IC, इसी चीज को आप याद रखेंगे। चलिए तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं, रिलेशन देखते हैं IC और IL के बीच में। तो रिलेशन बहुत लोगों को पता होगा कि कितनी वैल्यू होती है, लेकिन आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक दूसरे से ये व्युत्क्रमानुपाती अथवा इनवर्स हैं, क्यों ऐसा होता है, तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए रिलेशन देखते हैं, IL एंड IC, ठीक है ना। तो लिक्विड लिमिट बराबर होता है, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स बराबर होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइडेड बाई IP, IP मतलब WL माइनस WP, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में IC जोड़ दे रहे हैं, IC जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। ये लिक्विडिटी इंडेक्स था, वो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। तो लिक्विड लिमिट माइनस WP डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट करें, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद प्लस में है, ये प्लस में IC का फार्मूला लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। यहाँ पर ऊपर देखिए इनके हर जो है समान है, ठीक है ना, समान है तो क्या कर सकते हैं, प्लस जो है हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, और हर जो बराबर है तो एक ही हर लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नेचुरल वाला प्लस है या माइनस, ठीक है ना। अब ये प्लस है और ये माइनस लिखा, तो लिख सकते हैं पहले प्लस लिखिए लिक्विड लिमिट पर ये माइनस WP डिवाइडेड बाई ये, दोनों नीचे ऊपर एक ही चीज लिखा है, बराबर वन। तो यहां से दिख रहा है आपको, देखिए IL प्लस IC बराबर वन। अगर ये 40% है, अगर ये 40% है तो ये 60% होगा, अगर ये 100% है तो ये तो जीरो होगा, इन दोनों का योगफल हमारा एक के बराबर होता है। यहीं से दिख रहा है ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिटाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को आप क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं, उस टेबल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए IL प्लस IC बराबर वन, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा और ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। पेपर अगर आपको निकालना है तो आप एकदम इसको याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें ट्रिक लगाइए कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है, ट्रिक वाले जल्दी सफल नहीं होते हैं। ट्रिक लगा करके याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। चलिए एक टेबल बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर लिखेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल। तो कितने स्टेट होते हैं, पहला हमारा होता है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। IC का माने लिख दे रहे हैं और इधर लिख दे रहे हैं IL और इधर लिख दे रहे हैं रिमार्क। चलिए तो देखिए, अगर लिक्विड स्टेट में सॉइल होगा, लिक्विड स्टेट में होगा तो ये सॉइल जो होगा क्या होगा हमारा, बिल्कुल लिक्विड जैसा होगा, शियर स्ट्रेंथ जीरो होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसिस्टेंसी, देखिए लिक्विड स्टेट में है तो सॉइल हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, मतलब शियर स्ट्रेंथ जीरो होगा। IC का मान कितना होगा, पीछे निकाले हैं, अगर लिक्विड स्टेट में होगा शियर स्ट्रेंथ जीरो दिखा रहा है तो मतलब जीरो से ये कम ही है, इस तरीके से। तो पहला भी लिख लेते हैं फिर बाद में लिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कंसिस्टेंसी हमारा होता है वो क्या होता है, तो फाउंडेशन इस पर बना पाएंगे, फाउंडेशन नॉट सुटेबल फॉर, फाउंडेशन नॉट सुटेबल फॉर
फाउंडेशन। देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं प्लास्टिक स्टेट। सॉइल जब प्लास्टिक स्टेट में तब होगा तब, तो शुरू में आप देखेंगे जब लिक्विडिटी खोकर के प्लास्टिक में आता है तो बहुत मुलायम रहता है, तो लिख सकते हैं उसको वेरी सॉफ्ट। जब प्लास्टिसिटी स्टेट में रहेगा वो, तो जब शुरू में देखेंगे जैसे लिक्विड से प्लास्टिक में कन्वर्ट हुआ तो बहुत सॉफ्ट होगा, उसके बाद थोड़ा और पानी कम करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और पानी कम करेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेरी मतलब स्टिफ लिख देंगे, मीडियम स्टिफ लिख लीजिए, हल्का सा टाइट हो गया, फिर क्या हो जाएगा और पानी कम कर लेंगे जब वो अपनी प्लास्टिसिटी खोने वाला होगा उस दशा में, तो हो जाएगा हमारा स्टिफ टाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब देखिए वेरी सॉफ्ट होगा, वेरी सॉफ्ट होगा तो अब देखें जब प्लास्टिक में आया था तो आईसी का मान जीरो हो जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं पानी कम कर रहे हैं तो इसका मान बढ़ने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो जीरो से लेकर के 0.25 है, अगर आईसी का मान जीरो से लेकर 0.25 है तो कहेंगे सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट में है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है ना। अगर सॉफ्ट की बात करें तो 0.25 से लेकर के 0.5, अगर आईसी का मान 0.25 से लेकर 0.5 है तो सॉइल हमारा सॉफ्ट होगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा। ये हमारा 0.5 से लेकर के 0.75 होगा, और ये हमारा जो स्टिफ हो जाएगा और एकदम टाइट हो चुका है तो ये होगा 0.75 से लेकर के 1, ठीक है ना। हम लोग 1 और 0 तो निकाले थे, 1 और 0 निकाले थे, ठीक है ना, आईसी का मान बिल्कुल ही, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट पर था तो दिखा रहा था वो आईसी का मान कितना आपको, जीरो दिखा रहा था, लेकिन प्लास्टिक लिमिट पर गया तो हमारा 1 हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, आईसी आईएल का मान अभी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये भी सॉइल जो है आपका फाउंडेशन के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए इसको इधर लिख दिए थे। अब क्या एक स्टेट और है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, ठीक है। तो इसमें स्टिफ था, ये वेरी स्टिफ होगा, वेरी स्टिफ टू हार्ड, ठीक है ना, हार्ड होगा। तो आईसी का मान अभी जस्ट देखें कितना हो रहा था, जब वाटर कंटेंट प्लास्टिक वाले से कम हो रहा था तो क्या हो जा रहे थे, वो सेमी सॉलिड में आ रहे थे, तो एक से ये ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्या था, सॉलिड, सॉलिड स्टेट में आ गए, सॉलिड स्टेट में तो ये हार्ड से हो जाएगा, हार्ड सॉइल कन्वर्ट हो रहा है वेरी हार्ड, वेरी हार्ड हो जाएगा, और आईसी का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक से होगा। आप जब निकालने लगेंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आईसी का मान था, आईएल का मान क्या होगा, इसके ठीक उल्टा होगा, ठीक उल्टा होगा। जो आप यहाँ लिखे हैं वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और जो आप यहाँ लिखे हैं वो नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आईएल बराबर होगा 1 - आईसी, ठीक है ना। तो आप क्या करें, यहाँ पर 0 घटाएँ तो 1 दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद 0.25 घटाएंगे 0.75, तो IL का मान होगा 0.75 टू लेकर के 1, ऐसे हो जाएगा। बस यही फार्मूला रखिए, आता जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, इसमें से क्या करें 0.5 घटा दें, 0.5 घटा दें तब क्या हो जाएगा, 0.5 घटाएंगे 0.5 बचेगा 0.75, 0.25 घटाएंगे मतलब 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा, 0.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ भी कर लीजिए, 0.25 से बचेगा 0.5, ठीक है ना। और यहाँ पर बच जाएगा आपका 0 से लेकर के 0.25, ठीक है ना। तो बिल्कुल उल्टा लिख दिए हैं, ये वैल्यू करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा। अब क्या देखिए, यहाँ पर आईसी का मान ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे जब सेमी सॉलिड में आए थे तो आईसी का मान लेस देन क्या हो गया था, 0 हो गया था। आईएल का मान लेस देन 0 हो गया था। जब और नीचे आए थे, और नीचे आ जाए तो आईएल का मान तो बहुत ज़्यादा एकदम नहीं बहेगा, तो बहुत 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 कम हो जाएगा 0 से। और इधर जो सॉइल हैं सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में, इस पर फाउंडेशन बना सकते हैं, सुटेबल फॉर फाउंडेशन, सुटेबल फॉर फाउंडेशन, ठीक है। उम्मीद है कि टेबल आपको समझ में आ गई होगी। तो चार स्टेट पाए जाते हैं,
कंसिस्टेंसी, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड और एक हमारा है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। प्लास्टिक वाले में चार प्रकार की सॉइल मिलती है, स्टेज पानी कम होता जाता है तो ऐसे पहले बहुत सॉफ्ट रहेगा, फिर सॉफ्ट हल्का सा वो टाइट हो जाएगा, फिर बहुत स्टिफ हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, फिर सेमी सॉलिड में आएंगे, बहुत स्टिफ से क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, और लास्ट वाले में हार्ड से वेरी हार्ड हो जाएगा, बोलेंगे सॉलिड स्टेट। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर हो गया हो तो हम मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट्स में होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए कैसे हम लिखे हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यही वाला एक दिक्कत है, जीरो और वन के बीच में चलाना है, थोड़ा सा टाइट वेरी सॉफ्ट रहेगा तो जीरो से लेकर 0.25, सॉफ्ट 0.25 से 0.5, मीडियम से 0.5 से 7.5, स्ट्रिप से 0.75 से 1 तक, तो 0 से 1 तक आईसी का मान चलता है जब सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होता है। तो ये वाला आप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आईएल का मान निकाल के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहे हैं, मिटा दें। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इसको ही बताते हैं। तो ये सब जो है एसएससी जेई में केवल छोटे छोटे फार्मूले आते हैं, एई और अथवा अन्य पेपर की बात कर रहे हैं तो ये जितना डाटा अंदर तक बता रहे हैं ये सब चीज़ें वहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है तो कुछ छूटेगा नहीं, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, जो भी आ जाए कहीं से भी किसी दुनिया से आएगा इसी में रहेगा। पूरा हम लोग एटरबर्ग वाला बता दिए हैं हर चीज़, और इस कैम्पटन के भी बारे में आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, टफनेस इंडेक्स, IT से डिनोट करते हैं, तो बस डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के अनुपात को कहा जाता है टफनेस इंडेक्स आईटी, मतलब आईपी अपान आईएफ, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ऊपर प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ये होगा हमारा फ्लो इंडेक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, और ये वाला अगर फ्लो कर्व बनाएंगे तो उसी का ये स्लोप है वहां से निकल सकता है, ये हो जाएगा हमारा, देखिए ग्राफ ही बना देते हैं, स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है स्लोप पता चल गया, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई लॉग बेस 10 एन टू माइनस लॉग बेस 10 एन वन, ठीक है। हमें फार्मूला नहीं पता था, फार्मूला भूल गए थे हम, लेकिन अब देखिए कर्व से तुरंत इसको हम निकाल दिए, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ याद रखना पड़ेगा, आप ऐसे कुछ याद रखेंगे तभी जब पीछे वाली चीज़ें आपको आती रहेंगी तभी आप ये सब कर सकते हैं। तो मुझको कुछ याद नहीं है, बस हमको क्या है कंसेप्ट याद है तो उसी के अनुसार हम पूरा पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो आईपी जो आईटी हो जाएगा आईपी अपन आईएफ हो जाएगा, जो इसका रेंज होता है आईटी का रेंज सभी सॉइल के लिए जो होता है 1 से 3 के बीच में होता है, जो टफनेस इंडेक्स होता है 1 से लेकर के 3 के बीच में होता है। तो पेपर में आपका यही एसएससी जेई वाले देखिए यही आ जाएगा, जितने फार्मूला लिखे हैं वही सब फार्मूला एसएससी जेई में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, कल जो है हम लाइव आएंगे कल, और हम लोग क्या करेंगे जितने हम लोग पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन लगाएंगे तब आगे पढ़ाया जाएगा। मंडे को नया लेक्चर आएगा लेकिन हम कल जो है लाइव आएंगे, ठीक है ना। तो आज वाला लेक्चर बढ़िया से पढ़ लीजिए, चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पढ़ेंगे हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद जस्ट पढ़ेंगे हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो पढ़ते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसको समझते हैं क्या है। चलिए एक सॉइल ला रहे हैं, सॉइल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉइल ठीक है ना, इसको क्यू यू से डिनोट करते हैं, देखिए
क्यू यू से डिनोट करते हैं। अब क्या है, किसी खेत में गए और क्ले ला रहे हैं, बालू के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, केवल आपको क्ले सॉइल की जरूरत पड़ेगी। सॉइल ला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, पानी मिला करके एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बना रहे हैं, ठीक है, कोई एक ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसमें मिट्टी भर के हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कूट के भर दे रहे हैं, ठीक है, कूट भी सकते हैं अथवा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल सॉइल को जमीन से काट रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल रूप में ऐसे काट ले रहे हैं, ठीक है ना। काट लिए, इसको क्या कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर रख दे रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर रख दे रहे हैं, और इधर से कुछ कवर नहीं है, बिल्कुल सॉइल को काट करके सिलेंड्रिकल बना दिए हैं, खेत से ला करके यहीं पर रख दिए। रखने के बाद क्या हो रहा है, इस पर लोड लगा रहे हैं, जैसे लोड लगाते लगाते जाएंगे, समय बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक समय आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसे फेल हो जा रहा है, फेल हो गया, ये क्या हो गया, सॉइल कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ से फेल हो गया, स्लाइड करके इधर आ गया, स्लाइड कर गया, कुछ इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर स्लाइड कर गया, ये स्लाइड कर गया, फेल हो गया। तो जब फेल हो रहा है उस समय जो लोड है उसको लिखेंगे पीएफ, लोड एट फेलर, और जो फेल हुआ तो जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग एएफ, मतलब एरिया ऑफ फेलर, ठीक है, एरिया ऑफ फेलर लेना है। इन्हीं दोनों का अनुपात ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बस डिफिनेशन छोटा सा लिख रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं समझाना चाहे हैं, इसीलिए बहुत जल्दी से करना चाह रहे हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, वरना इसको ज़्यादा समझा देते। देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा लोड एट फेलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एट फेलर। तो लिख सकते हैं हम लोग QU बराबर PF अपान AF, ये किलो न्यूटन में होगा और ये मीटर स्क्वायर में, टोटल यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए बात करते हैं अब सेंसिटिविटी की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सॉइल का क्या होता है, तो आप समझते हैं सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एस टी से इसको डिनोट करेंगे, तो फॉर्मूला लिख रहे हैं एस टी बराबर QU अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट अनडिस्टर्ब कंडीशन, समझाते हैं क्या है अनडिस्टर्ब कंडीशन, डिवाइडेड बाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट डिस्टर्ब कंडीशन, दोनों बात समझाते हैं क्या होता है, क्या है कह रहा है अनडिस्टर्ब कंडीशन में। आप खेत में जब सॉइल लेने जाएंगे, खेत में जा रहे हैं तो बड़ा सा सॉइल काटे हैं, उसको काट करके सिलेंड्रिकल बना लीजिए, मान लीजिए प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, खेत से ला रहे हैं और इसकी पिटाई नहीं कर रहे हैं, बस आराम से धीरे धीरे काट करके एक सिलेंड्रिकल शेप बना ले रहे हैं, क्ले है हमारा, ऊपर लोड लगाए, लोड लगाते लगाते गए और ये फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्ट्रेंथ निकल जाएगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट अनडिस्टर्ब कंडीशन, उसी को बोलेंगे। लेकिन वही सॉइल लाए और क्या कर रहे हैं, एक बर्तन में रख दे रहे हैं, एक बर्तन रख रहा है, प्रोक्टर टेस्ट करते हैं तो यही किया जाता है, ठीक है, एक बर्तन है खाली सा, इसमें मिट्टी रख करके उसको पीट रहे हैं, पीट करके क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप दे रहे हैं, बर्तन खोल के हटा दे रहे हैं, फिर लोड लगा रहे हैं। अब क्या किए, इसको आप डिस्टर्ब कर दिए, लोड लगा रहे हैं पीएफ, जब पीएफ लोड लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक समय आएगा ये फेल हो जाएगा, ये वाला लोड और इसका एरिया कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा क्यूयू एट डिस्टर्ब कंडीशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो जब क्या होता है, जब आप डिस्टर्ब करेंगे ना, पहले सॉइल देखिए इस कंडीशन में है अनडिस्टर्ब, तो इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, मान लेते हैं फ्लॉकुलेंट है, फ्लॉकुलेंट मतलब क्ले पार्टिकल ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब इस तरीके से जुड़े हैं फेस टू एज, इस तरीके से फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक और बना देते हैं, बड़ा सा बना देना जानबूझ करके, जब फेस टू एज जुड़ते हैं अथवा एज टू एज जुड़ते हैं तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जब इस कंडीशन में रहेगा तो इसका शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अनडिस्टर्ब कंडीशन में जब रहता है तो स्ट्रक्चर आपका फ्लॉकुलेंट दिखता है, तो इसका जो शियर स्ट्रेंथ होता है, जो इसका शियर स्ट्रेंथ होता है वो आपका ज़्यादा दिखेगा, मतलब ये अनडिस्टर्ब है।
अनडिस्टर्ब कंडीशन में इसका शियर स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे, रोलर चलाएंगे, जैसे रोलर चलाएंगे तो इनके बीच में पानी भी है, एक चीज़ तो बताना भूल गए, पानी भी रहता है, पानी के कारण आपस में बॉन्डिंग रहती है, तो स्ट्रेंथ इनके कारण भी दिखता है। जो टोटल शियर स्ट्रेंथ दिखता है, एक तो इसके स्ट्रक्चर के कारण दिखता है कि फ्लॉकुलेंट है, इसके कारण स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ ही इस वाटर कंटेंट अगर सही जगह पर मौजूद है तो इनके कारण भी शियर स्ट्रेंथ होता है। तो टोटल शियर स्ट्रेंथ जो आपको ये दिख रहा है, टोटल जो शियर स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो लोगों का काम है, ये स्ट्रक्चर वाला मान लें, ये स्ट्रक्चरल शियर स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाटर कंटेंट वाला है, ठीक है। अब कह रहा है पर रोलर चला दिए, रोलर चलाएंगे तो फिर क्या होगा, ये दबेगा तो ये वाला होगा ऐसे, इस तरीके से एक के ऊपर एक आ जाएंगे, मतलब ये क्या है, फेस टू फेस जुड़ जाएंगे, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तुरंत क्या करेगा, इसका स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा, तुरंत इसका स्ट्रेंथ जो है कम हो गया, अभी यहां दिखा रहा था, तुरंत स्ट्रेंथ क्या हो गया, नीचे आ गया, तुरंत स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा, मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है डिस्टर्ब कंडीशन में, वो इस वाले से कम हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ तुरंत कम हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों के अनुपात को बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर जो रेशियो से आपको पता चल रहा है, एक चीज पता चल रहा है कि अगर सॉयल के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, मतलब रिमोल्डिंग करने की कोशिश करेंगे, रिमोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो इसके स्ट्रेंथ में जो होगा वो कमी आ जाएगा। जैसे कमी आ जाएगा, अगर ये कमी ज़्यादा दिखता है, अगर ये कमी ज़्यादा दिखता है तो कहेंगे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सॉयल है। जैसे समझाने के लिए कर दें, देखिए सॉयल था अनडिस्टर्ब कंडीशन में, तो उसका कुछ आ गया, कितना शियर स्ट्रेंथ 20 आ गया, ठीक है ना, 20 आ गया। जब डिस्टर्ब कर दिए तब भी उसके शियर स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया, 20/20 एक हो गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, एक आ गई, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, तो बोलते हैं इसका लिटिल सेंसिटिव सॉयल, ठीक है ना। ऐसे अगर आप क्या करें, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और शुरुआत में अनडिस्टर्ब में QU था, और बाद में इसका स्ट्रेंथ डिस्टर्ब करने से क्या हो गया, इसके आधा हो गया, तो क्यू से क्यू कट गया, तो ये आ जाएगा 2। तो जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, उसका ये अर्थ है कि इसको जब डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, जब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके शियर स्ट्रेंथ में कमी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी यहां पर यही बता रहा है, अगर किसी सॉइल को आप रिमोल्ड करने जाएंगे तो ये बताएगा कि कितनी ज्यादा, कितनी अधिक मात्रा में इसके शियर स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है। अगर वैल्यू ये ज्यादा है, अगर हम लोग क्या कर दें, ये 8 गुना कम हो जाए, ठीक है, तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8, मतलब कि जैसे इसको छू रहे हैं ना, हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, इसका शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा खो दे रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है सॉइल के लिए कि अगर सॉइल को आप छुएंगे तो कितनी डिग्री तक उसका शियर स्ट्रेंथ लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो वीकनेस के बारे में बताएगा सॉइल के, जब सॉइल को आप डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन है, डिस्टर्ब कंडीशन मतलब रिमोल्डेड कंडीशन, रिमोल्ड कर दें, रिमोल्डिंग भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इंडिकेटर। अब क्या पेपर में आपको इसका रेंज आएगा, उसके बाद पूछेगा सॉइल के अंदर कितनी सेंसिटिविटी है, ठीक है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। बाकी आप क्या करेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मिटा दें। अब आपको इसका रेंज ही देखना है, वहीं से आप देखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। चलिए इधर लिख लेते हैं सेंसिटिविटी, और इधर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कैसा है, इनसेंसिटिव है या सेंसिटिव है। अगर इसका मान, ST का मान लेस देन 1 है तो कहेंगे इनसेंसिटिव सॉइल, सेंसिटिव ये इनसेंसिटिव। अगर एक से कम आ गया तब तो आप रिमोल्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक से कम आ रहा है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर सेंसिटिविटी का मान एक से कम आ रहा है, अगर एक से कम आ रहा है तो इसको कह देंगे इनसेंसिटिव सॉइल, मतलब इसमें अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इसके स्ट्रेंथ में कमी नहीं हो पा रही है, ठीक है। दूसरा देखें, अगर एक से दो के बीच में है तो कहेंगे लिटिल सेंसिटिव सॉइल,
लिटिल सेंसिटिव सॉइल, अगर 2 से 4 के बीच में है तो कहेंगे मीडियम, मीडियम सेंसिटिव सॉइल, ठीक है। अगर 4 और 8 के बीच में है तो कहेंगे सेंसिटिव सॉइल, सेंसिटिव सॉइल है, ठीक है ना। अगर 8 और 16 के बीच में है तो कहेंगे एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल, उसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, इसको नॉर्मल। अगर 16 से ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा है अगर वैल्यूज, ठीक है, 16 से ज़्यादा है तो कहेंगे क्विक सेंसिटिव। ठीक है ना, तो अगर 16 से ज़्यादा हो गया तो जैसे छुएंगे, हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो उसके सीयर स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है। तो रेंज याद रखेंगे, 1 से कम है तो कोई सेंसिटिविटी नहीं है, छेड़छाड़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 के बीच में है तो हल्का फुल्का उसके सीयर स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है, 2 और 4 के बीच में है तो मीडियम, 4 से 8 तो सेंसिटिव। तो पेपर में आने वाला ये है, ये वाला है और ये वाला है और लास्ट वाला, ये 3 ही याद रखेंगे, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो सब दुगुना हो रहा है, 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 दुना 4, 4 दुना 8, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये इसमें गुणा हो रहा है 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, ठीक है ना। यही कीजिएगा, 1 गुणे 2 हुआ तो 2, फिर 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, ठीक है, बाकी याद कर लेंगे। 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 16 से ज़्यादा, इस तरीके से। इनसेंसेटिव, लिटिल सेंसेटिव, मीडियम सेंसेटिव, सेंसेटिव सॉइल, एक्स्ट्रा सेंसेटिव और क्विक, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला देखते हैं थिक्जोट्रॉपी। मिटाएं, मिटा दे रहे हैं, ले लीजिए, चलिए मिटाते हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। अगला हमारा है थिक्जोट्रॉपी, थोड़ा सा लंबा लेक्चर है लेकिन तसल्ली से देखिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी लेक्चर में। अगला हमारा थिक्जोट्रॉपी, अब ये क्या है समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी जस्ट बताएं सॉइल के बारे में, ये क्ले पार्टिकल हैं, ये इनका फेस होता है, ये एज होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा देखिए, ये है इस तरीके से है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इस तरीके से एज टू एज जुड़ा है अथवा फेस टू फेस जुड़ा है, तो बोलते हैं इसको फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर। इसका सामर्थ्य बहुत ज्यादा होगा, यहां पर जुड़ा हुआ है, सब जुड़ दे रहे हैं, बॉन्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ गया है। इसमें वाटर कंटेंट भी होगा, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए वाटर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। तो यहाँ पर वाटर कंटेंट है आपका, यहाँ पर वाटर कंटेंट है जिसके कारण ये सीयर स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो इस दशा में इसका सीयर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर एक कर्व बना दें यहाँ पर, अगर एक कर्व बनाए यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा, कर्व बना रहे हैं देखिए, ठीक है ना, इधर सीयर स्ट्रेंथ लिख दे रहे हैं, सीयर स्ट्रेंथ, ठीक है। इधर एक चीज और लिख रहे हैं, देखिए, कोई भी सॉइल जो है सीयर स्ट्रेंथ तभी दिखा रहा है, हम क्ले की बात कर रहे हैं, सीयर स्ट्रेंथ तभी दिखा रहा है जब आपस में चिपकने की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, जब चिपकने की प्रॉपर्टी दिखाएगा तब जब इसमें क्ले पार्टिकल रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्ले पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सॉइल हैं हमारा, एक सॉइल ये है, सॉइल के पार्टिकल छोटा 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 छोटा। अब देखेंगे जो सॉइल चिपकने की प्रॉपर्टी, वही सॉइल दिखाएंगे जिनका साइज जो है 2 माइक्रॉन से कम होगा, मतलब जो है ये केवल क्ले रहे, ठीक है ना। 75, इधर सब क्ले बनाए हैं, सिल्ट नहीं बनाए हैं, इसमें देख रहे हैं ना, ये इधर क्ले मौजूद हैं, जिनका साइज 2 माइक्रॉन से कम है वही क्ले हैं, वही प्रॉपर्टी, वही सॉइल जो है थिक्जोट्रॉपी दिखाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या कर सकते हैं, ये टोटल वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। अगर आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ क्ले, क्ले निकालना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, क्ले फ्रैक्शन, क्ले फ्रैक्शन इन सॉइल, अगर आपको निकालना है तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस ग्राफ पर देखिए, इधर सीयर स्ट्रेंथ लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं परसेंटेज
क्ले फ्रैक्शन। क्ले फ्रैक्शन क्यों लिख रहे हैं, अथवा ये भी लिख सकते थे कि इस सॉइल के अंदर 2 माइक्रॉन से छोटे जितने पार्टिकल हैं अथवा क्ले पार्टिकल हैं उन्हीं की प्रतिशत मात्रा, इसको हम लोग सी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, सी परसेंट ये लिख दे रहे हैं। अब क्या है, देखिए अब क्या है यहाँ पर, क्ले पार्टिकल, अब ये स्ट्रक्चर में शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है अनडिस्टर्ब कंडीशन में, ठीक है ना, और किसके किसके कारण है, यहाँ पर आपको सॉइल में देख रहे हैं पानी भी है, स्ट्रक्चरल वाटर यहाँ जहाँ पर मौजूद है इन्हीं के कारण शियर स्ट्रेंथ, प्लस ये स्ट्रक्चर की बनावट। तो शुरू में देखेंगे जब ये अनडिस्टर्ब रहेगा, मान लेते हैं यहां अनडिस्टर्ब है, अनडिस्टर्ब कंडीशन है, ठीक है, ये शियर स्ट्रेंथ आपको इतना दिखा रहा है, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक शियर स्ट्रेंथ है। दो कारण से है, एक स्ट्रक्चर के कारण है, ये हमारा स्ट्रक्चर के कारण है, स्ट्रक्चरल शियर स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चरल शियर स्ट्रेंथ है, और ये जो शियर स्ट्रेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो वाटर कंटेंट इसमें मौजूद है ना उन्हीं के कारण ये शियर स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ड्यू टू वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ठीक है ना, वाटर कंटेंट अब चिपके हुए। अब क्या हो रहा है, इसको हम लोग रिमोल्ड कर दे रहे हैं, रिमोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, रिमोल्डिंग जब करेंगे तो क्या हो रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ है नीचे अचानक में गिरेगा, ठीक है ना, जैसे रिमोल्ड करेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ये दबेगा ऐसे हो करके ये क्या करेगा, ये सब एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, तुरंत क्या होगा इसका स्ट्रेंथ गिर जाएगा, जैसे फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर टूटा तुरंत ये जो स्ट्रेंथ जो होगा इसका नीचे आ गया, इस जगह पर आ गया, स्ट्रक्चर टूटने से इतना स्ट्रेंथ में लॉस हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर ये पानी अपने जगह से डिस्टर्ब हो गए, अगर ये पानी अपना जगह छोड़ दिए, जब अपना ये जगह छोड़ेंगे तो इनके कारण भी क्या होगा, स्ट्रेंथ यहाँ पर घटने लगेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो गया, घट गया, ठीक है, सारे पानी नहीं डिस्प्लेस होते हैं, कुछ मालिक्यूल जो है एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो ये वाला स्ट्रेंथ यहाँ पर लॉस हो जाएगा ड्यू टू वाटर कंटेंट के मूवमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सॉइल का शियर स्ट्रेंथ दिखाएगा और ये क्या रहेगा हमारा, डिस्टर्ब कंडीशन में, डिस्टर्ब कंडीशन में आपका ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी सॉइल को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अब सॉइल हमारा कहीं पर पड़ा हुआ है ये वाला, जब ये क्या हो गया, कैसा, ये बिल्कुल डिस्पर्स स्ट्रक्चर में आ गया, कुछ इस तरीके से बना देते हैं तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ये सॉइल का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया डिस्पर्स, अब ये स्ट्रक्चर पुराने जैसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या, जो बेचारे वाटर बह करके बाहर चले गए थे, अब समय बीत रहा है, सॉइल पड़ा हुआ ऐसे छोड़ दिए हैं, तो ये वाटर जो अभी डिस्प्लेस हुए थे एक कांस्टेंट वाटर कंटेंट, अलग से पानी नहीं मिला रहे हैं, बस समय बीतने दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये पानी अंदर आ करके अपने जगह पर आने की कोशिश कर रहा है, अपने जगह पर जब पहुँचेगा तो क्या करेगा ये सॉइल, अपना शियर स्ट्रेंथ क्या करेगा, लगेगा गेन करने, समय बीतेगा तो लगेगा अपने स्ट्रेंथ को ये गेन करने, और ये गेन उतना तेजी से करेगा, उतना ज्यादा करेगा जितना परसेंटेज आप क्ले पार्टिकल होंगे, जब क्ले पार्टिकल रहेंगे तो वही तो अपने पानी को अंदर खींचेंगे, उनके सतह पर चार्ज होता है तभी तो पानी को अंदर खींचेंगे, तो जितना ज्यादा क्ले फ्रैक्शन होंगे उस सॉइल के अंदर उतना ही ज्यादा पानी खींचेंगे और आकर के पानी के सतह पर चिपक जाएगा, तो ये इसका शियर स्ट्रेंथ जो है, जो पानी के कारण खो दिया था, पानी के डिस्प्लेसमेंट को जैसे खो दिया था, पानी आ गया तो फिर से क्या करेगा ये स्ट्रेंथ गेन करने लगेगा, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ यहाँ से क्या किया, गेन कर लिया, जो लॉस हो गया था इसका शियर स्ट्रेंथ समय बीतने के साथ साथ, और वाटर कंटेंट जो हम लोग कांस्टेंट रख दिए थे उसके कारण अब क्या हो रहा है, पानी जब फिर से यहाँ आ रहा था इसका शियर स्ट्रेंथ फिर से रिगेन कर रहा है, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये अपना शियर स्ट्रेंथ फिर से रिगेन करता है, जो लॉस्ट हो चुका है उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्जोट्रॉपी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, थिक्जोट्रॉपी, ये ऊपर तक नहीं जाएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर अब क्या है, फ्लॉकुलेंट नहीं हो पाएगा, अब ये फ्लॉकुलेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये वाला तो आप गेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये पानी वाला तो ये क्या करेगा, गेन कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग थिक्जोट्रॉपी, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल जो मूव करेंगे उसी से ये क्या करेगा, अपने स्ट्रेंथ को गेन करेगा, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, देखिए थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये वाटर वाला नीचे ही है, स्ट्रक्चर वाला ऊपर था, ठीक है ना। अब क्या करें, फिर से इसको रिमोल्ड कर दें, फिर से अगर रिमोल्ड कर देंगे तो यहाँ आएगा,
फिर स्ट्रक्चर इसका और तोड़ फोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या है, अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा था, अब स्ट्रक्चर के कारण यहाँ भी कुछ लॉस हो जाएगा, ये वाला मान लेते हैं, तो फिर से स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो ये परमानेंट लॉस हर बार थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, पुराने जैसा ये पूरा जो है गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसी प्रॉपर्टी को, जिसके कारण ये पुराना अपना शियर स्ट्रेंथ क्या करता है, रिगेन करता है सॉइल की, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं और एक नोट लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर किसी सॉइल के अंदर, अगर किसी सॉइल की सेंसिविटी जितना ज़्यादा होती है, उसकी थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी भी उतना ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, अगर किसी सॉइल की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब अपना स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से खो दे रहा है, बहुत ज़्यादा खो रहा है, तो स्ट्रक्चर के कारण तो थोड़ा सा खो दिया, वो तो फिक्स हो गया, अब पानी फिर से रिगेन करेगा, क्या करेगा, वो फिर से पानी रिगेन करेगा, तो फिर क्या करेगा, अपने स्ट्रेंथ को ये वापस ले लेगा, ठीक है ना, उसी को बोल रहे हैं थिक्सोट्रॉपी। तो जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, उसी सॉइल की थिक्सोट्रॉपी भी, थिक्सोट्रॉपी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, अगर सॉइल की, किसी सॉइल की थिक्सोट्रॉपी ज़्यादा है, तो उसका ये अर्थ है कि उसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, ठीक है ना। एक चीज़ और बता है, एक चीज़ और हमें पढ़ना है, जिसका नाम है एक्टिविटी, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, बताना भूल गए, सेंसिटिविटी जो प्रत्येक सॉइल के लिए होता है वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो सारे सॉइल जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, जैसे लोड लगेगा थोड़ा बहुत उनका शियर स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो मिटाते हैं इसको। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी पर आते हैं, देखते हैं ये क्या है, तब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग अगला एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है। इसको एटी से डिनोट करते हैं, एटी से डिनोट करते हैं। अभी जो पीछे हम लोग एक ग्राफ बनाए थे उसी को यहां पर बनाते हैं। इधर लिख रहे हैं हम लोग क्ले फ्रैक्शन, क्ले फ्रैक्शन इन सॉइल, ठीक है ना। और इधर लिख दे रहे हैं हम लोग क्या चीज, आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी की इधर बात कर लेते हैं, ठीक है, दो ग्राफ है। अब क्या देखिए, एक सॉइल है, समझाते हैं तब बताते हैं। इस तरीके से, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ से सॉइल का वैल्यूम हमारा कुछ होगा भी, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इधर से बड़ा सॉइल है और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ तक गए तो ये सॉइल दिख रहा है 75 माइक्रॉन का, यहाँ पर गए, यहाँ से जो सॉइल इधर छोटे हैं, ये हमारा 2 माइक्रॉन का, ठीक है, इसके इधर छोटे हैं, ठीक है। तो जो छोटे होते हैं 2 माइक्रॉन से जो छोटे होते हैं, वही हमारे क्ले हैं, ठीक है। तो अगर इस सॉइल के अंदर आपको निकालना है कि क्ले की मात्रा कितनी है, इसका अगर प्रतिशत निकालना है, तो इसका वैल्यूम पता हो, वैल्यूम ऑफ क्ले सॉइल, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्ले डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है ना। तो ये मात्रा आपका जो है, इसी को बोलते हैं क्ले फ्रैक्शन, सी इधर लिखे हुए हैं, और ये हमारा हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में, आपको पता है फिर भी यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। तो अब देखेंगे जो क्ले पार्टिकल हैं, जो क्ले पार्टिकल हैं, हम लोग आईपी पढ़े थे, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्ले पार्टिकल, ठीक है ना, क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, जितना ज्यादा क्ले होगा, क्ले होगा उतना ज्यादा आईपी होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा आपका क्ले मौजूद रहेगा सॉइल के अंदर, उतना ही ज्यादा आपका आईपी होता है, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल का मतलब है यहां पर क्ले फ्रैक्शन से, सी फ्रैक्शन से, ये दोनों जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। अगर हमारा क्ले पार्टिकल ना रहे, अगर हमारा क्ले पार्टिकल ना रहे, मतलब सैंड रहे, अगर सैंड है, अगर क्ले पार्टिकल नहीं है, तो आईपी का मान आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आईपी अगर सी नहीं है, तो इसका मान जीरो हो जाएगा, अगर सी का मान बढ़ेगा तो आईपी का मान बढ़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ने लगेंगे, इस तरीके से एक कर्व बनेगा, ठीक है ना, एक कर्व बनेगा। और जो क्ले पार्टिकल है, वास्तव में यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के लिए किसको ले ले रहे हैं, कि मोंट मोर्नोलाइट है, मोंट
मोरिलो नाइट, ठीक है ना। मान लेते हैं जो क्ले पार्टिकल है वो मोंट मोरिनो लाइट है, जैसे बेंटोनाइट सॉइल है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी और क्ले फ्रैक्शन के बीच में एक कर्व बन गया जो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल बढ़ेगा तो आईपी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जो इसका स्लोप होता है, जो इसका स्लोप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार। अगर पूरा हम स्लोप पूरा बड़ा सा बना दें, अगर स्लोप यहाँ लेना चाहें, जैसे ये स्लोप आप लेना चाहेंगे तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं ये क्ले फ्रैक्शन और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं क्या चीज, आईपी, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, देखिए तब इसके बारे में आपको बताते हैं और, ठीक है। देखिए एक्टिविटी डिफिनेशन देखें, इट इज डिफाइंड एज, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, टू द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉइल मास। सॉइल मास में जो परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल हैं उन्हीं को, उन्हीं से क्या करना है, आईपी को आपको डिवाइड कर देना है, कहेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बराबर हो जाएगा हमारा एटी से आईपी अपान परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका साइज जो है, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज दो माइक्रॉन से कम है उन्हीं के प्रतिशत मात्रा से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपकी एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर क्ले फ्रैक्शन ना हो, अगर आईसी बराबर हमारा जीरो है, तो इसका क्या मतलब है कि आईपी अपन जीरो ये इनफाइनाइट हो जाएगा एक्टिविटी, नहीं भैया। देखिए अगर सी नहीं है, अगर क्ले पार्टिकल नहीं है तो प्लास्टिसिटी उसमें जीरो होती है, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसका एक्टिविटी हो जाएगी हमारी जीरो, ठीक है ना। तो एक्टिविटी यहाँ पर ये चीज़ बताता है उसको बता रहे हैं। देखिए जितना ज़्यादा क्ले पार्टिकल होगा, उतना ही ज़्यादा जब पानी के संपर्क में ये सॉइल आएगा उतना ही ज़्यादा उसके आयतन में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो जो ये वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, जो वॉल्यूम में चेंज होता है किसी सॉइल के, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी, ठीक है। अगर एक्टिविटी उसका ज्यादा, अगर जीरो है, अगर जीरो तो देख रहे हैं ये सैंड है, इसके वैल्यू में इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर बल्किंग होता है, यहाँ पर ये स्वेलिंग नहीं होता है। एटी जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज को बताएगा, जितना ज़्यादा इसका मान रहेगा एक्टिविटी का उतना ही ज़्यादा सॉइल क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, मतलब स्वेलिंग होगी, पानी खत्म होगा तो क्या होगा, उतना ही श्रिंकेज होगा, ठीक है ना। तो एक्टिविटी जो है वो इंडिकेटर है सॉइल के स्वेलिंग और श्रिंकेज का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, सी पार्टिकल रहेंगे, क्ले पार्टिकल रहेंगे तभी आईपी दिखाएगा, जब आईपी दिखाएगा तो समझ जाएंगे इसकी प्लास्टिसिटी उतना ही ज्यादा है। और अगर सी देखेंगे, अगर सी की मात्रा बढ़ेगी तो आईपी बढ़ेगा, आईपी तभी बढ़ रहा है जब इसमें देख रहे हैं इसकी लिक्विड लिमिट बढ़ रही है, लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तभी आईपी का मान बढ़ता है। अगर लिक्विड लिमिट बढ़ गया तो इसका ये मतलब होता है कि इसके वॉल्यूम में चेंज जो होगा वो बहुत ज़्यादा दिखाएगा, अगर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज है तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो एक्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा होगा, अगर वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा है तो लिक्विड लिमिट सॉइल का ज़्यादा होगा, अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा तो सॉइल उतना ही ज़्यादा कंप्रेसिबल है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिस भी सॉइल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर फाउंडेशन आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो डिफिनेशन याद करेंगे हम लोग आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। अथवा ये ग्राफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स और क्ले फ्रैक्शन के बीच में आप बना सकते हैं। ये कर्व जो है मोंट मोरिनो लाइट का है, मोंट मोरिनो नाइट का कर्व है, ठीक है ना। अगर हम केओलोनाइट का देखें, केओलोनाइट का कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ इस तरीके से होता है केओलोनाइट, ठीक है। और ये हमारा होता है एलाइट का, ठीक है ना, इस तरीके से होता है, क्योंकि एक्टिविटी जो होता है मोंट मोरिनो लाइट का सबसे ज़्यादा होता है, तभी उसके वॉल्यूम में चेंज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। एलाइट में देखेंगे तो वो केओलोनाइट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यानी कि इसकी एक्टिविटी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, आपको डिफिनेशन पता चल गया होगा, आई पी अपान परसेंटेज आपके लिए किसका इंडिकेटर है, ये बताता है कि सॉइल में कितना स्वेलिंग होगा, कितना श्रिंकेज होगा, ठीक है। एक्टिविटी ज़्यादा तो ज़्यादा स्वेलिंग, ज़्यादा श्रिंकेज, जब पानी के वाटर कंटेंट चेंज होगा तब की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो पेपर की अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डिफिनेशन पहले इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ क्या है इसका रेंज, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एक्टिविटी, तब ये खत्म होगा, और इधर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। थोड़ा सा भी याद रखेंगे, हम भी याद ही किए हुए हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी, ठीक है ना। अगर 0.75 से कम है तो कहेंगे इन एक्टिव सॉइल। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक थोड़ा कीजिए, देखिए गला बैठ गया। 75 से लेकर के कितने के बीच में है, 1.25 के बीच में, इनके रेंज में है, तो कहेंगे हम लोग एक्टिव सॉइल, एक्टिव सॉइल, ठीक है, नॉर्मल एक्टिव सॉइल कहा जाता है, नॉर्मल एक्टिव सॉइल, ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन 1.5 है तो कहेंगे एक्टिव सॉइल, ठीक है, अथवा एक्स्ट्रा एक्टिव सॉइल कह सकते हैं, अथवा रैपिड कह सकते हैं, अथवा एक्स्ट्रा कह सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव है, मतलब ये पानी के संपर्क में आएगा तो वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, एक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे 0.5 से कम इनएक्टिव सॉइल, 0.5 और 1.5 नॉर्मल एक्टिव सॉइल, 0.1-0.25 से ज़्यादा तो कहेंगे एक्टिव सॉइल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसको मिटा दें, देख लीजिए, लिख लीजिए, ये पेपर में आएगा, और फार्मूला बस एक्टिविटी का आईपी अपान परसेंटेज ऑफ क्ले, यहाँ से बस ये पूछा जाएगा, ठीक है। हम इसका भी बता देते हैं मोंटमोनोलाइट का, इसका एक्टिविटी 1 और 7 के बीच में होता है, 1 और 7 के बीच में होता है मोंटमोनोलाइट का। एलाइट का होता है हमारा 0.5 से लेकर के 1 होता है। केओलोनाइट का होता है 0.4 से लेकर के कितना 0.5, ठीक है ना, इतना होता है। तो उसको इधर ही लिख देते हैं, तो ये सॉइल वाला थोड़ा याद कर लेंगे, 0.75 से कम इनएक्टिव, 75 से लेकर 125 बीच में 0.5 लगा लीजिएगा 2 अंक पर नॉर्मल एक्टिव, 125 से ज़्यादा मतलब 2 अंक पर 0.5 एक्टिव सॉइल, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी आपका लिख दे रहे हैं ताकि आपको वो भी पता चल जाए। तो यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिए कभी कर्व पूछेगा ना आईपी और परसेंटेज आपके लिए फ्रैक्शन में, तो ये कर्व देख लीजिएगा, सबसे ऊपर मोंटमोनोलाइट, फिर एलाइट है, फिर केओलोनाइट है, ठीक है ना। तो ये कर्व आप बना लेंगे, ये क्या बता रहा है कि प्लास्टिसिटी जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपके लिए इनका बढ़ रहा है, जब केओलोनाइट वाला है, ठीक है ना। तो इसके वॉल्यूम में चेंज थोड़ा कम हो रहा है, सबसे ज़्यादा चेंज आपका मोंटमोनोलाइट में हो रहा है। तो एक कर्व बना दे रहे हैं, कर्व के एक टेबल एक्टिविटी लिखेंगे, और इधर लिख लीजिए क्ले मिनरल्स, ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं, उल्टा हो गया, एक्टिविटी क्ले मिनरल्स, नाम है मोंटमोनोलाइट, अच्छा है, पहला लिख लेते हैं केओलोनाइट, केओलिनाइट, एलाइट, मोंटमोनोलाइट, मोंटमोनोलाइट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होती है 0.4 से लेकर के 0.5, ठीक है ना। पेपर में आएगा 0.38, एक्टिविटी जो होगी केओलोनाइट की 0.38, पेपर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेंज ये है 0.4 से 0.5। एलाइट का 0.5 से लेकर के 1 होता है, पेपर में आएगा 0.98, इतना आएगा। मोंटमोनोलाइट की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है 1 से 7 में होती है, ठीक है, 1 से 7। अगर ये मोंटमोनोलाइट में सोडियम आयन मौजूद हैं, सोडियम के आयन मौजूद हैं प्लस मोंटमोनोलाइट है, तो इसका 4 से 7 होता है एक्टिविटी। अगर इसमें कैल्शियम के आयन मौजूद हैं तो इसकी एक्टिविटी लगभग जो होती है 1.5 होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है मोंटमोनोलाइट की होती है, इसीलिए जैसे ये पानी के संपर्क में आएगा ये एक्टिव हो जाएगा, लगेगा, ज़्यादा वॉल्यूम में स्वेलिंग दिखाएगा, ठीक है ना। तो जो सॉइल के अंदर, जिस भी सॉइल के अंदर ये मोंटमोनोलाइट पाया जाएगा उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। एक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा दिखेगा, मतलब वो ज़्यादा स्वेलिंग करेगा और ज़्यादा श्रिंकेज करेगा। अगर ज़्यादा स्वेलिंग अथवा ज़्यादा श्रिंकेज दिखा रहा है तो इसका ये मतलब है उसकी लिक्विड लिमिट भी बहुत ज़्यादा होगी, और जो उसका जो श्रिंकेज लिमिट होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जो बेंटोनाइट सॉइल है इसमें मोंटमोनोलाइट ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है,
ठीक है ना। इन सब में क्या है, ये मोंटमोरनोलाइट पाया जाता है, इसीलिए इनकी एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। एक्टिविटी ज़्यादा होना मतलब वॉल्यूम में जो चेंज देख रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज जो बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे सॉइल के ऊपर क्या करेंगे आप, फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे सॉइल के ऊपर फाउंडेशन आप नहीं बनाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है।